से तुम हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आप के पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।